Hello everyone, I, Nancy Gupta, assistant professor, will deliver a lecture on tablet coating equipments in detail by this presentation. So keep watching. So let us discuss about the tablet coating equipments in details. तो यहाँ पे सबसे पहले introduction है कि कौन कौन से tablet coating equipments होते हैं. तो यहाँ पे जितने मैंने टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट मेंशन किए हैं तो इन्हीं सब का यूज़ करके हम टैबलेट की कोटिंग कर सकते हैं इन इंडस्ट्री. तो फर्स्ट इज योर स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, देन आता है आपका परफोरेटेड पैन सिस्टम, देन आफ्टर योर फ्लूडाइज बेड कोटर. तो इन तीनों कोटर का यूज़ करके और पैन का यूज़ करके हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं. अब इनकी सब पार्ट्स देख लेते हैं. तो स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में सबसे पहले आता है आपका पेलिग्रिनी पैन सिस्टम, देन आपका इमर्शन शॉर्ट सिस्टम, देन आफ्टर आता है आपका इमर्शन ट्यूब सिस्टम. अब देख लेते हैं परफोरेटेड पैन सिस्टम में कौन कौन से कोटर्स आते हैं. तो फर्स्ट इज योर एसिला कोटर, देन आफ्टर आपका आता है हाई कोटर, देन ग्लैड कोटर, देन आफ्टर योर ड्राई कोटर सिस्टम. और इसके बाद थर्ड होता है आपका कोटर फ्लूडाइज बेड कोटर. तो दिस इज अबाउट द कोटर और द कोटिंग पैन जिनका हम इंडस्ट्री में यूज़ कर लेते हैं. तो लेट अस डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड कोटिंग पैन. तो हमें इस स्लाइड में हम स्टैंडर्ड कोटिंग पैन के बारे में जानेंगे. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल पैन सिस्टम. स्टैंडर्ड कोटिंग पैन सिस्टम को हम कन्वेंशनल पैन सिस्टम कहते हैं. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका MCQ का बन सकता है, विच टाइप ऑफ पैन सिस्टम इज नोन एज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल पैन. तो आप उसका आंसर लिखेंगे स्टैंडर्ड कोटिंग पैन. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू कैन राइट इट डाउन. तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड कोटिंग पैन इट इज़ अ पॉपुलर एसेसरी इन मोस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. बहुत सारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज करके टैबलेट की कोटिंग की जाती है. नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ऐसा सिस्टम है जो सर्कुलर मेटल पैन का बना होता है और प्लेस्ड होता है एंगुलरली. मेनली ये 40 डिग्री पर माउंट किया जाता है. ठीक है, तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं, रोटेटेड ऑन इट्स हॉरिजेंटल एक्सिस बाय मोटर. ये क्या होता है, हॉरिजेंटल एक्सिस पे रोटेट करता है मोटर के साथ. नेक्स्ट, हीटेड एयर इज डायरेक्टेड इनटू द पैन ऑन द टैबलेट बेड सरफेस. क्या होता है, टैबलेट बेड सरफेस पे जो हीटर एयर होती है डायरेक्टली पैन में इंट्रोड्यूस करती है. एयर जो होता है एग्जॉस्ट होता है डक्स के द्वारा. उसके बाद इस टाइप के कोटर का जो डायमीटर होता है मेनली 8 to 60 inches होता है या फिर 15 to 200 centimeter का इसका डायमीटर होता है. नेक्स्ट देख लेते हैं, कोटिंग सॉल्यूशन आर अप्लाइड टू द टैबलेट्स बाय लैंडिंग और स्प्रेइंग द मटेरियल ऑन द रोटेटिंग टैबलेट बेड. मतलब क्या होता है कि जो आपका कोटिंग सॉल्यूशन होता है उसको क्या करते हैं, स्प्रे करके जो मटेरियल्स होता है मेनली स्प्रे करके इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है टैबलेट बेड्स पे. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो आपका जो टैबलेट है मेनली क्या है, क्लॉकवाइज यहाँ पे ये बेड रोटेट करेगा. फिर क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप टैबलेट बेड का कैसे रोटेट करेगा, इसका आप डायरेक्शन देख सकते हैं. यहाँ पे देखिए एक पर्पल कलर की स्प्रे गन है, इन्हीं स्प्रे गन से जो आपका कोटिंग मटेरियल होता है वो टैबलेट बेड पे इंट्रोड्यूस होता है फॉर और स्प्रे होता है. ये आपका ये सॉलिड पैन है, उसके ऊपर आप ड्राइंग एयर डक्ट है. यहाँ पे आप देख लेते हैं एग्जॉस्ट एयर हो है जो फिर यूज़ होके आउटर पार्ट से निकल जाती है. ये देख लीजिए यहाँ पे क्लॉकवाइज का यहाँ पे ऐसे मोशन का डायरेक्शन दिखाया गया है. तो ये जो प्रोसेस हो रही है इनसाइड इस एरिया में होती है. ये आपका एक स्टैंडर्ड कोटिंग पैन है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर कोटिंग में. तो ये जो वर्किंग है वो इस कोटिंग पैन के इनर सेक्शन में होता है जहाँ पे टैबलेट की कोटिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता है. तो दिस इज अबाउट द स्टैंडर्ड कोटिंग पैन. नाउ हियर यू कैन सी द व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल कोटिंग पैन्स. तो इसमें क्या होता है, जो आपका एयर इंट्रोड्यूस करते हैं इनलेट और जो एग्जॉस्ट एयर होती है मेनली इम्प्रॉपर वे में मूव करती है. तो वो प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट बना देती है. जब भी हम इनऑर्गेनिक कोई भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोसेस रिस्की हो जाती है.
नेक्स्ट है सिंस अ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ ड्राइंग टेक्स प्लेस, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा परसेंट ड्राइंग जो होती है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में होती है तो क्या होता है टैबलेट की कोटिंग में रफनेस की कॉज हो सकती है। नेक्स्ट क्या होता है इसमें जो अनइवन कोटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है और क्या होता है इसमें जो इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है जो आपके पर्टिकुलरली आप यूज़ कर रहे हैं कोटिंग मटेरियल्स वो इम्प्रॉपर होते हैं और मिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है तो जिसके कारण ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी कोटिंग मटेरियल का। इसके लिए क्या है नेक्स्ट इसमें बताया गया टू इम्प्रूव द ड्राइंग एफिशिएंसी, ड्राइंग एफिशिएंसी मेनली इसमें बहुत ही प्रॉब्लम कॉज करती है तो जिसके लिए इस टाइप के कोटिंग पैन्स को मॉडिफाई किया गया है कन्वेंशनल कोटिंग पैन को जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नाउ हेयर यू कैन सी वट आर द स्टैंडर्ड कोटिंग पैन्स मॉडिफिकेशंस, तो ये कुछ मॉडिफाइड फॉर्म हैं मॉडिफाइंग कोटिंग पैन्स हैं जो स्टैंडर्ड कोटिंग पैन के ही सब पार्ट्स हैं। तो इससे क्या होता है मेनली ड्राइंग की इफ़िशेंसी को मॉडिफाई किया गया है तो उसके बाद इन कोटिंग पैन्स को न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये कुछ तीन टाइप के सब डिवीज़न हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पैन के आप देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका इमर्सन ट्यूब सिस्टम, नेक्स्ट है आपका ग्लैड इमर्सन स्वॉर्ड सिस्टम, देन आफ्टर आता है आपका पेलेग्रिनी पैन सिस्टम। तो ये सारे जो सिस्टम्स हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन अनदर स्लाइड्स। अब देख लेते हैं पेलेग्रिनी पैन के बारे में। तो पेलेग्रिनी पैन जो होता है मेनली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करता है और इसमें क्या होता है टैपर्ड स्लाइड वॉल्स लगे होते हैं जो मेनली सिर्फ इसी टाइप के मॉडिफाइड कोटिंग पैन्स में से कंपेयर कर लें तो सिर्फ इसमें ये टैपर्ड स्लाइड वॉल्स होते हैं और यही हॉरिजेंटली मूव करता है इस तरह का कोटिंग पैन। नेक्स्ट इसमें क्या होता है जो इसमें अवेलेबल इन द रेंज ऑफ 10 to 1000 kg बैच, इसमें इतने 10 to 10,000 kg बैच की जो टैबलेट होती है उसको मेनली क्या कोटिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट होता है इसमें क्या होता है बेफल पैन लगे होते हैं जो मेनली इसी टाइप के कोटिंग पैन में होता है पेलेग्रिनी पैन में। इसमें क्या होता है जो आपकी ड्राइंग एयर होती है यूनिफॉर्मली मूव करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है तो जो कोटिंग होती है वो यूनिफॉर्मली होगी किसी भी टैबलेट पे। नेक्स्ट होता है क्या होता है सुटेबल ओनली फॉर शुगर कोटिंग प्रोसेस, इसका यूज़ मेनली शुगर कोटिंग करने में ही यूज़ किया जाता है, फिल्म कोटिंग में इसका यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इमर्सन स्वॉर्ड सिस्टम, तो इमर्सन स्वॉर्ड सिस्टम जो होता है परफोरेटेड मेटल स्वॉर्ड डिवाइस होता है। इसके बाद इसमें क्या होता है ड्राई एयर जो होती है इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है और वो फ्लो करती अपवर्ड फ्रॉम द स्वॉर्ड थ्रू द टैबलेट बेड, इसमें डायरेक्शन जो होता है वो अपवर्ड होता है ड्राइंग एयर का। नेक्स्ट क्या होता है कोटिंग सॉल्यूशन को अप्लाई किया जाता है बाय ऑटोमाइज्ड स्प्रे सिस्टम और जिसको डायरेक्ट किया जाता है सर्फ टैबलेट बेड पे और ये रोटेट करता है इस तरीके से ऑटोमाइज स्प्रे सिस्टम अपना कोटिंग मटेरियल को इंट्रोड्यूस करता है इन इमर्सन स्वॉर्ड सिस्टम में, इस तरीके से आपकी कोटिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं कि व्हाट आर इमर्सन ट्यूब सिस्टम, तो यहाँ पे इमर्सन ट्यूब सिस्टम को आप पिक्चर देख सकते हैं, इसकी पिक्चर्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में लगाई हैं, देयर यू कैन चेक ऑल दिस पिक्चर्स। तो यहाँ पे क्या होता है ट्यूब इमर्स्ड इन द टैबलेट बेड, यहाँ मेनली क्या होता है क्यों ट्यूब इमर्सन ट्यूब सिस्टम कहा जाया है क्योंकि इसमें एक तरह की ट्यूब होती है जो टैबलेट बेड पे इमर्स की जाती है और जिससे थ्रू हीटेड एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और क्या होता है ये बहुत ही लॉन्ग होती है और विद अ स्प्रे नोजल एट इट्स टिप, इसके एक टिप पर क्या होता है स्प्रे नोजल लगा होता है। हॉट एयर गेट इंट्रोड्यूस थ्रू दिस ट्यूब इन टू द टैबलेट बेड, इस ट्यूब्स के थ्रू हम क्या करते हैं टैबलेट बेड में हॉट एयर इंट्रोड्यूस करते हैं। द ड्राइंग एयर फ्लोज अपवर्ड एंड एग्जॉस्ट बाय द कन्वेंशनल डक्ट, इसमें क्या होता है जो ड्राइंग एयर होती है वो फ्लो करती है अपवर्ड और एग्जॉस्ट होती है कन्वेंशनल डक्ट के द्वारा। रिलेटिवली रैपिड प्रोसेसिंग टाइम, इसमें क्या होता है रैपिड प्रोसेस टाइम होता है
और क्या होता है, ये यूज़ की जाती है मेनली शुगर कोटिंग और फिल्म कोटिंग दोनों टाइप की कोटिंग करने के लिए। इसमें क्या होता है, अनदर देख लेते हैं, इन इमर्सन ट्यूब सिस्टम द कोटिंग सॉल्यूशन इज अप्लाइड विद द हीटेड एयर फ्रॉम द इमर्सन ट्यूब। ऑलरेडी इसमें ऑलरेडी ऊपर बताया गया था, जो आपका हीटेड एयर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो क्या होती है मेनली इमर्सन ट्यूब के थ्रू इंट्रोड्यूस की जाती है इस सिस्टम में। तो इसमें मेन बात याद रखने वाली है कि इसमें जो ट्यूब होता है, ट्यूब के द्वारा ही आपका जो हीटेड एयर होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसमें ये बहुत ही लॉन्ग ट्यूब होती है और इसमें स्प्रे नोजल लगे होते हैं, तो इस बात को इसमें याद कर रखने वाली बात है। वॉट आर परफोरेटेड पैन सिस्टम। तो परफोरेटेड पैन सिस्टम मेनली पॉपुलर होते हैं हर टाइप की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। इसका भी यूज कोटिंग करने में किया जाता है टैबलेट की। तो इन मोस्ट केसेस दिस टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट्स आइदर अ फुल और पार्शली परफोरेटेड ड्रम्स। इसमें आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट पिक्चर में परफोरेटेड ड्रम होता है, जिसमें हॉलो बने होते हैं, छोटे छोटे छेद बने होते हैं, तो ये मेनली परफोरेटेड ड्रम होता है। इट कंटेन परफोरेटेड ड्रम। नेक्स्ट देख लेते हैं, लाइक अ स्टैंडर्ड कोटिंग पैन द ड्रम ऑफ टैबलेट कोटर रोटेट हॉरिजेंटली। ये भी देखिए यहाँ पे हॉरिजेंटली रोटेट करता है। इसमें क्या होता है, कोटिंग ड्रम एनक्लोज होता है और इसमें क्या होता है, स्प्रे नोजल लगे होते हैं। ये इसमें भी ऐसा ऑप्शन होता है, हेयर यू कैन सी इन सेकेंड पिक्चर कि कैसे आपका जो ड्रम के ऊपर आप देख सकते हैं कि स्प्रे नोजल लगी हुई है। उसके बाद इसमें क्या होता है, स्प्रे नोजल डेट ऑटोमाइज द कोटिंग सॉल्यूशन। इस कोटिंग स्प्रे नोजल से कोटिंग सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जाता है टैबलेट बेड पे इन द पैन, और इस तरीके से आपकी ड्राइंग की प्रोसेस होती है और टैबलेट कोटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है परफोरेटेड पैन में। यहाँ एक बात याद रखने वाली है कि इस टाइप के जो पैन होते हैं, इसमें जो ड्रम होता है वो परफोरेटेड होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टाइप ऑफ कोटेड पैन। तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है। अब देख लेते हैं एसिला कोटा सिस्टम के बारे में। ये सब पार्ट्स हैं आपका परफोरेटेड पैन सिस्टम का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटर है, बिकॉज इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड वेरियस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी। तो इसमें देख लेते हैं, देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द ड्रम। मतलब इसमें बहुत सारी प्रोसेस होते हैं एक ही ड्रम के अंदर। इसमें क्या होता है, बैफल मिक्सिंग ब्लेड्स इंश्योर द टैबलेट मिक्स फ्रीली विद इन द ड्रम एज इट रोटेट्स। इसमें क्या होता है, जो बैफल होते हैं और उसमें ब्लेड्स जो लगी होती है, उसमें मेनली आपका जो जो कोटिंग मटेरियल होता है वो मिक्स होता है। और क्या होता है, ये जो ड्रम होता है मेनली रोटेट करता है। देन आपका जो स्प्रे गन होता है उसके थ्रू आपका कोटिंग सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस होता है, और देन टैबलेट जो बेड होता है उस पे स्प्रे गन्स के थ्रू कोटिंग मटेरियल स्प्रे किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ड्राई इनलेट एयर फ्लोज फ्रॉम अपर सेक्शन ऑफ द ड्रम। जो ड्राई इनलेट होता है उसमें जो अपर सेक्शन होता है वहाँ पे आपका एयर फ्लो करता है और पास करता है बिटवीन द बेड्स। पैन इज फुली परफोरेटेड, एज ऑलरेडी यू नो कि ये परफोरेटेड पैन सिस्टम है, तो इसमें जो पैन होता है मेनली परफोरेटेड होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू मेंशन कि ये परफोरेटेड पैन होता है इसमें। दिस इंक्रीज द ओवरऑल इफिशेंसी ऑफ द टाइप ऑफ टैबलेट कोटिंग मशीन। मेनली क्या होता है कि ये जो प्रोसेस होती है परफोरेशन जो होता है, इसकी वजह से जो इस टाइप की कोटिंग की जो इफिशेंसी। अब देख लेते हैं ड्राई कोटर सिस्टम क्या होता है। ड्राई कोटर पैन हैज हॉलो परफोरेटेड रिब्स। इसमें क्या होता है, जो ड्रम होता है वो मेनली हॉरो होता है और इसमें जो हॉलो परफोरेटेड रिब्स लगी होती हैं, तो इसमें ये बात ध्यान रखने वाला है, जो परफोरेटेड रिब्स होती है वो मेनली हॉलो होती हैं विच आर लोकेट ऑन द इनसाइड पर पेरीफेरी टैबलेट कोटिंग ड्रम। मेनली ये कहाँ पे लोकेट होती है, वो मेनली इनसाइड होती है पेरीफेरी कोटिंग टैबलेट ड्रम के। उसके बाद क्या है, देयर फोर एज द ड्रम रोटेट द स्प्रे नोजल ऑटोमेटाइज सॉल्यूशन एज डायरेक्ट इट्स द डायरेक्शन
ऑफ टॉप सेक्शन, इसमें क्या होता है, स्प्रे नोजल के थ्रू जो आपका कोटिंग सॉल्यूशन होता है इसमें भी इंट्रोड्यूस होता है, और क्या होता है, ड्रम रोटेट करता है, और ये मेनली प्रोसेस मेनली टॉप सेक्शन में होती है। दिस इज द सेम सिनेरियो लाइक द एसला कोटा सिस्टम, इसमें भी एसला कोटा सिस्टम के जैसा ही वर्क होता है। हाउएवर द ड्राइंग एयर एंटर्स द कोटिंग ड्रम, इसमें क्या होता है, जो ड्राई एयर होती है एंटर करती है कोटिंग ड्रम में फ्रॉम बिलो द टैबलेट्स एंड फ्लो अपवर्ड्स। क्या होता है, टैबलेट के नीचे से जो ड्राई से ड्राई ओवर जो एयर होती है टैबलेट के नीचे से, टैबलेट बेड्स के नीचे से फ्लो करती है और अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, देन एग्जिस्ट द सिस्टम थ्रू द बैक ऑफ टैबलेट कोटिंग पैन। बेसिकली इन ड्राई कोटर ड्राइंग एयर फ्लूडाइज द टैबलेट बेड। तो मेनली जो इसमें जो आपकी जो एयर होती है टैबलेट बेड की बॉटम साइड से क्या होती है, एंटर होती है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। देख लेते हैं अबाउट द हाई कोटर सिस्टम। हाई कोटर सिस्टम मेनली क्या होता है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है सेम होता है एज लाइक एसला कोटर, बट इसमें क्या होता है, इसकी डिजाइन डिफरेंट होती है हाई कोटर की, बट सिमिलैरिटी होती है सिर्फ और सिर्फ वर्किंग और प्रिंसिपल में एसला कोटर से। ठीक है, अब देख लीजिए, द मशीन डायरेक्ट्स बोथ द कोटिंग सॉल्यूशन एंड ड्राइंग एयर डाउनवर्ड्स। क्या होता है कि जो मशीन होती है, ये मशीन जो होती है कोटिंग मशीन, ये क्या करती है, डायरेक्ट करती है कोटिंग सॉल्यूशन को और क्या करती है, ड्राइंग एयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट करती है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, द ड्राइंग एयर देन लीव्स द कोटिंग सिस्टम। इसके बाद क्या होता है, ड्राइंग एयर जो होती है वो लीव कर देती है सिस्टम को, और उसके बाद परफोरेशन से मेनली इसका आउटलेट होता है, जो परफोरेटेड एरिया होता है वहाँ से आपका जो ड्राई एयर होता है वहाँ से वो बिलो पार्ट में होता है और वहाँ से ये जो ड्राई एयर होती है एग्जिट हो जाती है कोटिंग ड्रम से। तो दिस इज अबाउट द हाई कोटर सिस्टम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है ग्लैड कोटर। तो यहाँ पे पिक्चर में आप देख लीजिए ग्लैड कोटर, फर्स्ट आपका ये जो पिक्चर लगी हुई है ये ग्लैड कोटर की है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ये पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो कोटिंग होती है टैबलेट की मेनली इस तरीके की होती है। तो यहाँ पे वर्किंग देख लेते हैं क्या होता है, हाई स्प्रे रेट्स शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम। इसमें क्या होता है, अब यही पता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टाइप का कोटर, और इसी टाइप के कोटर से मेनली कोटिंग की जाती है इंडस्ट्री में, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। इसमें क्या होता है, जो स्प्रे रेट्स होता है वो बहुत ही हाई होता है और प्रोसेसिंग टाइम शॉर्ट होता है। ठीक है, इट्स डिज़ाइन इज सच डैट एट कैन डायरेक्ट द ड्राइंग एयर फ्रॉम इनसाइड एंड टैबलेट कोटिंग ड्रम। ऐसा ये बना होता है कि ये डायरेक्टली ड्राइंग एयर जो होती है इनसाइड टैबलेट कोटिंग ड्रम में होती है और वहाँ पे ड्राई करती है एयर, और उसके बाद पर्टिकुलर टैबलेट बेड्स में ड्राइंग एयर इंट्रोड्यूस होके कोटिंग का ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट क्या होता है, द एयर पासेस थ्रू द टैबलेट बेड एंड लीव्स वाया एग्जॉस्ट डक्ट। जो एयर होती है मेनली पास होती है टैबलेट बेड से, उसके बाद एग्जॉस्ट डक्ट जो लगे होते हैं उससे क्या होती है, उसका एयर का लीव हो जाती है और एग्जिट हो जाती है। ये इसकी जो डिज़ाइन होती है बहुत ही यूनिक ऐसी डिज़ाइन होती है कि जो मिनिमाइज कर देती है टर्बुलेंस को डेड में अकर अराउंड द स्प्रे नोजल। स्प्रे नोजल के पास जो टर्बुलेंस लगे होते हैं उसको ये क्या करती है, मिनिमाइज कर देती है। इसमें ऐसा एक यूनिकनेस होती है जो इस तरह की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देती है। दिस इंश्योर एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन ऑन द टैबलेट्स। इससे क्या होता है, अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है कोटिंग सॉल्यूशन का वो नहीं हो पाता है, जिससे आपको होमोजीनियस कोटिंग मिलती है पर्टिकुलर टैबलेट्स पे। इट्स ड्रम हैज़ यूनिक ज्योमेट्रिकल शेप्स विच बेफल ऑन पेरिफेरी। इसमें क्या होता है, ज्योमेट्रिकल शेप होता है आपके ड्रम का एंड इसमें बेफल लगे होते हैं पेरिफेरी पे। इट इज़ अ टैबलेट कोटिंग मशीन डेट इंश्योर द एक्यूरेट कोटिंग। ये ऐसी मतलब इसमें बहुत ही एक्यूरेसी मेंटेन रहती है और जो कोटिंग होती है वो होमोजीनियस होती है, बिकॉज एक्यूरेसी मेंटेन है इसलिए होमोजीनियस होगा। तो पर्टिकुलरली अनइवन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोटिंग की, पर्टिकुलरली आपको बहुत ही फाइन स्मूथ और इवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा कोटिंग का।
The only difference is how the machine supplies and remove the drying air. इसमें बस इतना होता है कि कैसे एयर सप्लाई हो रही है और कैसे ड्राई एयर रिमूव हो रही है, जिसकी वजह से ये आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की. और अगर ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, एज यू नो कि एक्सपेंसिव है, इसीलिए इसमें शॉर्ट टाइम लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल एंड एसेंशियल टाइप ऑफ कोटिंग मशीन. नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज योर फ्लूडाइज बेड कोटर. हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ फ्लूडाइज बेड कोटर की. तो ये ऐसा एक फ्लूडाइज बेड कोटर होता है जिससे कोटिंग की जाती है. तो इसका ये इनसाइड ऐसे वर्क करता है, इसमें आप देख सकते हो अपर पार्ट में एग्जॉस्ट एयर डक्ट होता है. नेक्स्ट आपका कोटिंग चैम्बर होता है, उसमें देखिए ऐसे वर्क होता है. इस ये जो आपने वर्किंग देखी है इनसाइड दिस मशीन, यहाँ पे ऐसी वर्किंग होती है. नेक्स्ट आपका फनल लाइक मॉडिफिकेशन होता है यहाँ पे. आप इनर आउट बॉटम पार्ट में देख सकते हैं ये फनल लाइक इसका शेप है. तो ये हो गया अबाउट इंट्रोडक्शन और द लेबलिंग ऑफ फ्लूडाइज बेड कोटर. अब वर्किंग देख लेते हैं इसके बारे में. तो अब फ्लूडाइज बेड कोटिंग सिस्टम के बारे में इसकी वर्किंग को देख लेते हैं. तो फ्लूडाइज बेड कोटिंग सिस्टम को हम एयर सस्पेंशन सिस्टम भी कहते हैं. तो यहाँ पे एक पॉइंट और एक क्वेश्चन एमसीक्यू का ये भी बनता है कि एयर सस्पेंशन सिस्टम कौन से टाइप के कोटिंग पैंस को कहते हैं. तो आपका आंसर होगा फ्लूडाइज बेड कोटर्स. तो ठीक है, तो अभी आप देख लेते हैं कि इसमें ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जो इसको अदर कोटिंग मशीन से थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं. तो फर्स्टली इट हैज अ वर्टिकल सिलेंड्रिकल, जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देख लिया है कि ये वर्टिकल सिलेंडर टाइप का कोटिंग पैन होता है. अ कॉलम ऑफ अ ड्राइंग एयर फ्लो अपवर्ड सस्पेंडिंग ऑल द टेबलेट्स. दिस कॉज द टेबलेट टू मूव अपवर्ड्स आउटवर्ड्स एंड द डाउनवर्ड्स. इसमें क्या होता है, जो एयर का फ्लो होता है मेनली अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो जिससे टैबलेट जो आपकी होती है उसका मूवमेंट अपवर्ड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड होता है. तो इस तरीके से टैबलेट का मूवमेंट होता है इन पर्टिकुलरली पैन में. तो इसमें क्या होता है, स्प्रे नोजल होता है जिससे आपकी जो आपके स्प्रेइंग एजेंट्स होते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं. तो वो क्या होता है, जो कोटिंग फ्लूइड होता है फ्लूडाइजमेंट में इंट्रोड्यूस होता है बाय द स्प्रे नोजल. एंड जो स्प्रे नोजल का पोजीशन होता है टॉप मिड में भी हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है और मिडल में भी हो सकता है. तो यहाँ पे कुछ वेरिएशन होगा. तो अकॉर्डिंग टू द नीड ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लूडाइज बेड सिस्टम बने होते हैं जिसमें इंस्टॉल होता है स्प्रे नोजल अनदर इन थ्री स्पेसिस पे, इन थ्री पोजिशंस पे. नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू एंटिल अचीव अ राइट कोटिंग ऑन योर टैबलेट्स. ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है और कंटिन्यू रहती है जब तक राइट कोटिंग नहीं मिल जाती टैबलेट को, मतलब होमोजीनियस और द इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता है तब तक. कौन से कोटिंग सिस्टम होते हैं फ्लूडाइज के, तो ये बेसिकली थ्री टाइप्स के कोटिंग सिस्टम होते हैं. तो यहाँ पे देख सकते हैं टॉप स्प्रे कोटिंग, बॉटम स्प्रे कोटिंग और टेंजेंटियल कोटिंग. तो यहाँ पे आप इन तीनों की पिक्चर्स को से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं कैसे यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एयर का फ्लो है, बॉटम पार्ट से एयर इनलेट हो रही है, अपर पार्ट से एग्जिट हो रही है. फिर यहाँ पे आप डायरेक्शन देख सकते हैं. तो अभी आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि जो एयर का डायरेक्शन होता है जो डिफरेंट होता है, जो इसको अनदर कोटिंग पैन से थोड़ा डिफरेंट बनाता है, तो अपवर्ड आउटवर्ड और द डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन को आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कैसे कोटिंग सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द पैन. इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है इन फ्लूडाइज ब्रेड कोटिंग में. तो ये फ्लूडाइज ब्रेड कोटिंग के मेनली थ्री टाइप्स के अनदर कोटिंग पैंस होते हैं जिसमें वेरियस टाइप की प्रोसेस और वेरियस टाइप की कोटिंग को परफॉर्म किया जा सकता है. इस तरीके से टैबलेट की कोटिंग होती है बाय द फ्लूडाइज ब्रेड सिस्टम्स. तो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द ऑल टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स. आई होप यू अंडरस्टैंड टूडेज डिस्कशन एंड टूडेज लेक्चर. सो आई एम एंडिंग माई लेक्चर ओवर हेयर. थैंक यू सो मच ऑल.